आज आपके होश फाड़ दूंगा दोस्तों, ये हैंडमेड कार को खोल के बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ये वाली कार के ऊपर मेरे को एक कमेंट आया था कि ये वाली कार को खोल के बताओ क्या मैकेनिज्म इसके अंदर वर्क करता है। आज की वीडियो के अंदर मैं ये कार को भी खोलूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा इसके अंदर मैं क्या ऐसी चीज बिठाया है। एक नॉर्मल कार थी जो कि अपन अब रिमोट कंट्रोल बना चुके, तो माइंड ब्लोइंग होने वाली है दोस्तों वीडियो, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो चलो दोस्तों, अपनी आरसी कार को मैं खोल के बताने वाला हूँ, लेकिन आप क्या करो मालूम इस वीडियो के अंदर जरूर से लाइक कर दो, क्योंकि मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला हूँ। अगर मैं इसको खोल के भी बताऊंगा ना तो ये डिसकंटिन्यू डिसलाइन हो जाएंगी, फिर मेरे को चलाने में उतना बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसको खोलने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। आपको 10-15 रुपए में ये स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है, तो यहाँ पर काफी बड़े बड़े स्क्रूज रखे हुए हैं। ये स्क्रू का आपको चेंजिंग करना होता है पोजीशन, यहाँ पे मैं पोजीशन चेंज कर दिया। इसके अंदर जो स्क्रू रहता है ना, 3-स्टार स्क्रू रहता है भाई साहब। यहाँ पर देखना ये पहिया निकल चुका है, क्योंकि इसका मोटर का पिनियन टूट चुका है भाई। ठीक है, खोलेगा इसको। ऑल राइट दोस्तों, मैंने एक स्क्रू तो ऑलमोस्ट खोल लिया है, दूसरा स्क्रू भी मैं खोल लूंगा। आपके आंखों के सामने मैं स्क्रू खोल रहा हूँ, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई साहब, जरूर से कर दो सब्सक्राइब। यहाँ पर देखना भाई, ये काफ़ी सस्ती कार थी, अराउंड 300-400 रुपए में मेरे को पुशिंग की कार आई थी, जो कि मैं रिमोट कंट्रोल बना चुका हूँ। सब दिख रहा भी होगा, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जैक्सन स्क्रूस लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पे कितने बड़े बड़े स्क्रूस लगे हुए देखे। मोटर भी लगी हुई है, ये हैंडमेड कार है भाई, हैंडमेड स्पोर्ट्स कार है। ठीक है, मैं इसको खोलूँगा। ओहो भाई, ओहो ठीक है, व्हील लगा लेंगे ना तो बहुत घटिया दिखता। ये लग चुका है भाई, लगता भी निकलता भी, ये जो भी रहता मसला। ऑल राइट दोस्तों, मैं इसको ऑलमोस्ट खोल चुका हूँ। ओ भाई साहब, ओ एक मिनट, पूरा खोल लेते हैं। ठीक है भाई, लाइक नहीं कर रहे भाई, आप लाइक करो क्योंकि मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। ओ भाई साहब, इसके अंदर देखो मैकेनिज्म कितना सिंपल लगा हुआ है, एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले ये ड्यूल गियर बॉक्स है, ड्यूल सिस्टम गियर बॉक्स है। ड्यूल सिस्टम क्यों है, मैं यहाँ के पहिए को अगर मैं पकड़ूंगा तो यहाँ का पहिया फ्रीली घूमेगा, यहाँ का व्हील पकड़ूंगा तो यहाँ का व्हील फ्रीली घूमेगा। ऐसा क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर ड्यूल गियर बॉक्स सिस्टम है। ड्यूल गियर बॉक्स सिस्टम क्या होता है, वो तो इधर भी गियर बॉक्स रहता है, इधर भी गियर बॉक्स रहता है, तो स्पीड 10 गुना मिल जाती है। अगर मैं दो भी पहियों को पकड़ के चलूंगा तो भाई इक्वली ये चलेगी। अगर मैं एक पहिए को पकड़ूंगा तो दूसरा पहिया बहुत ही फ्रीली फिरेगा, तो इसको बोलते हैं गियर बॉक्स। और ये गियर बॉक्स शिफ्ट करता है ना, एक एक गियर के ऊपर ये शिफ्ट करता है, तो स्पीड एक एक गियर के हिसाब से ये पकड़ेगा। ये मैकेनिज्म खाली 3-4 हज़ार के कारों के अंदर ही रहता है, चिल्लर कारों के अंदर तो खाली ये वन गियर रहता है। मतलब वन गियर बोले तो एक ही पहिया एक ही डायरेक्शन में घूमता है, लेकिन ऐसा व्हील नहीं घूमता है। तो ठीक है, इसके अंदर एक काफी मजबूत मैं गियर बॉक्स लगाया, ये ऑफलाइन मार्केट से मैं खरीदा था दोस्तों जाके। ये गियर बॉक्स की कीमत 1000 रुपए की है भाई साहब, और इधर छोटा सा मदरबोर्ड भी मैं ऑफलाइन मार्केट से खरीदा था। और यहाँ पर देखो, इसके अंदर मैंने लेफ्ट और राइट का मैकेनिज्म भी लगा के रखा, जो कि काफी ज्यादा मजबूत लेफ्ट और राइट का मैकेनिज्म इसके अंदर लगा के रखा। और भाई काफ़ी अच्छी भी दिखती है और बहुत ही भयंकर दिख रही है, यहाँ पर देखना। और इसके अंदर कुछ भी एलईडी लाइट का सिस्टम नहीं है। अगर आप कमेंट करते हो ना, मैं इसके अंदर जरूर से एलईडी लाइट का सिस्टम भी लगाऊंगा, आपको चलाकर भी बताऊंगा। अभी मैं और एक एक्सपेरिमेंट भी करने वाला हूँ दोस्तों, इसके अंदर लिथियम पॉलीमर बैटरी डाल के चलाने वाला हूँ अगली वीडियो के अंदर, तो जरूर से सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा बोले तो, जब भी मैं एक नई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा। ये एक हैंडमेड कार है, मैं हर कारों को हैंडमेड बनाता हूँ। 400 रुपए की चैसिस लेके आके उनको रिमोट कंट्रोल की बनाता हूँ, मैं कभी भी नहीं खरीदता हूँ। मैं खरीदने में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं बनाने में बिलीव करता हूँ। यहाँ पर देखो, मैंने गियर बॉक्स भी फिट करा। ओवरऑल गाड़ी की बात करें तो काफ़ी मजबूत थी दोस्तों। ऑफलाइन मार्केट से मैं बॉडी को खरीदा था 300-400 में, फिर लेके इसको बनाया था, पूरा सिलेक्शन करा, उसी डालना, फिर बहुत ज़्यादा टाइम चले गए, तो लाइक जरूर से कर देना भाई। बहुत मुश्किलों से बनाया दोस्तों मैं गाड़ी को, तो लाइक जरूर से करना, एटलीस्ट आप 10 लाइक्स तो जरूर से कर देना ये गाड़ी के ऊपर, क्योंकि मैं अब इसके अंदर डालने वाला हूँ ट्रैक्सस एक्स मैक्स की लिथियम पॉलीमर बैटरी। यहाँ पर देखो भाई साहब, ये 2000 रुपये की बैटरी है भाई, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दो और लाइक भी जरूर से करना। अगर ये वाली वीडियो आएगी ना, आपके होश फाड़ के रख देगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी बैटरी है और धूल मट्टी तो यूं पे उड़ा देगी, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दो। ओके okay?
तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से करना। कितने आराम से ये आपको बता दिया हमें, इसके अंदर क्या ऐसा मैकेनिज्म है, ये कार वर्क कर रही है भाई। इसको बनाने में एक दो घंटे चले गए थे, एक महीना भी इसके पीछे में रिसर्च करा। इसी स्पोर्ट्स कार को अपन कैसा बना सकते, एकदम मार्केट जैसा लुक आए जैसा कैसा बना सकते, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत मैंने किया है। इस मेहनत के लिए तो आप एटलीस्ट लाइक तो करो यार, ऐसी वीडियो देख कर मत जाओ। अगर आप किसी की वीडियो देखते हो तो लाइक करो, जो मेहनत कर रहा है उसको लाइक करो, जो मेहनत नहीं कर रहा है उसको मत लाइक करो गाइस। ओके, तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करो गाइस। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जब तक के लिए जय भारत गाइस। बाय।